राजीव गांधी युवा मित्र योजना लगातार बहाली की मांग को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश के विभिन्न चुनाव से आए हुए हैं, कड़ाके की ठंड में शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। आज 9वां दिन है, पहले भी आ चुके हैं, बावजूद इसके सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा हाथों में राजीव गांधी युवा मित्र को बहाल करो जैसे स्लोगन लिखी तख्तियाँ इन्होंने रखी हैं। कुछ अभ्यर्थी बीमार भी पड़े हैं, बीमार होने के बावजूद वो यहाँ पर डटे हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, कुछ का इलाज जारी है, कुछ ट्रीटमेंट लेके वापस यहाँ पे धरना स्थल पर आ रहे हैं। अपनी अपना जो यहाँ पे मांग है उसको बुलंद करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम की बात कर लें या बात कर लें मीडिया की बात कर लें, एएनकेएन प्रकरण ये अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार यहाँ पे जोर जोर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करें सर, खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा एक बार। कहाँ से पहुँचे, नाम क्या आपका? जयपुर से अशोक कुमार किरोड़ीवाल नाम है सर मेरा। अशोक जी, लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी है, ठंड ज़्यादा है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, लगातार नेता आते हैं और महज आश्वासन देकर वापस चले जाते हैं, क्या मानते हैं आप? सर, जो भी नेता हमारे पास आता है वो आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी क्या है हमारी पुकार नहीं सुन रहे। हम करीब 9 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई भी मतलब सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। क्यों नहीं पहुँच रही इसका कारण हमें पता नहीं है सर। हम यही आस लगा कर बैठे हैं कि सरकार हमारी पुकार सुने, हमको बहाल करे। बहाली नहीं होने पर क्या रणनीति रहने वाली है सर, इसके बारे में तो क्या कहे, वो तो सरकार क्या डिसीजन लेती है हम कुछ पता नहीं सर। सफर की इंतहा होती है, इंतजार की मांग की इंतहा होती है, 9 दिन हो गए, पहले भी आप 10 से 15 दिन यहाँ पे आश्वासन के बाद में उठे हैं, धरना दे चुके हैं, हाल फिलहाल 9 दिन तो हो गए और 9 दिन हो जाएंगे, सरकार को ऐसे थोड़ी चलेगी, क्या करने वाले हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि विरोध करने का जो षड्यंत्र थे आपने अपना लिए, मुंडन आपने करवा लिया, अर्धनग्न प्रदर्शन आपने कर लिया, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद तो देखो हमारी जो संघर्ष समिति है वो भी जो भी डिसीजन करेगी उसके प्रतिकूल ही हम काम करेंगे। देखिए, राज्य सरकार से मांग लगातार ये की जा रही है, इनकी जो कमेटी निर्णय बनाई हुई है वो अपनी मांग को लेकर जो निर्णय तय करेगी, फैसला डिसीजन देगी, वो उसी के आधार पर ये अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे। कहाँ से पहुँचे, नाम क्या है? मेरा नाम राधे कृष्ण कुमार है और आंधी ब्लॉक से आया हूँ, जयपुर ग्रामीण से। 9वां दिन है आज धरने का, क्या कहेंगे पूरा घटनाक्रम? सर, मैं कहना चाहता हूं भजन लाल सरकार को कि जो ये युवा हैं वो सिर्फ अपने रोजगार के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको ना किसी जाति धर्म और ना किसी की पार्टी से कोई मतलब है। हमेशा जो जिसको रोज़गार मिलता है वो हमेशा सरकार के साथ रहता है। सरकार ऐसे युवाओं पर अनर्गल आरोप लगाए उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार में काम करते हैं वो हमेशा सत्ता के पक्ष के साथ में काम करते हैं, ना कि विपक्ष के साथ में काम करते। और जब सत्ता चुनाव जीत करके भाजपा सरकार बन चुकी है तो उनका दायित्व होना चाहिए कि अब पार्टी का जो लेवल था वो खत्म हो चुका है सबका, और अब उन्हें जनता के हित में कार्य करना चाहिए, और अब पार्टी के लेवल से ऊंचा उठ करके अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दे सकते हैं और किस प्रकार से बेरोजगार के हित में हम काम कर सकते हैं। एक सवाल आपसे ये भी था कि राजाराम मील कल पहुंचे थे यहाँ पे, उन्होंने बीजेपी के समर्थन में नारे लगवाए थे, कितना सही मानते हैं कि लगता है आपको कि यहाँ पे धरने में राजनीति हो रही है? देखिए, जो राजाराम जी मिल यहाँ कल पहुँचे थे उन्होंने जो भी कहा उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और वोट देना एक जनता का लोकतांत्रिक अधिकार होता है। अब जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके अनुरूप वोटिंग कर सकता है, उसमें किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जनता होती है और अपना मत का प्रयोग सही समय पर सही प्रयोग करती है, जिसी के कारण सरकारें बदलती है, और सरकारें जो बदलती है जनता का अगर मत परिवर्तन नहीं हो तो एक ही सरकार के निरंतर चलती रह सकती है। इसलिए जनता का जैसे रुझान होता है सरकारें अपने आप परिवर्तन होती रहती है, इसलिए जिसको जैसा अच्छा लगे वो उसके बारे में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सोच सकता है। देखिए, यहाँ पे युवा है वो लगातार अपनी मांग को लेकर राजनीति नहीं होने की बात कह रहा है। एक युवा अभ्यर्थी जो चुन गए, क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुँचे? अरुण शर्मा नाम है, धौलपुर से हूँ मैं। अरुण, देखिए 9वां दिन आज है, कल राजाराम मील समेत सहित तमाम बड़े नेता आ चुके हैं, सचिन पायलट भी परसों पहुंचे थे यहाँ पे, PCM पूर्व PCM। हाल फिलहाल कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है, नेता आते हैं आश्वासन देते हैं घूम फिर के चले जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, मैं आपको बताऊं, जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं वो हमारी मांगों के लिए आ रहे हैं, और हम जो युवा मित्र हैं हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, आम जनता के साथ हम काम करते थे। हमारा एक ही उद्देश्य था कि आम जनता को किसी भी तरीके से सरकार की योजनाएं उनका लाभ मिले और वो लाभान्वित हों, लेकिन सरकार हमारी मांगों को फिर भी नहीं मानती है, आंखें बंद करके गूंगी बेरी बनी हुई है। इसके लिए हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार हमें उकसाए नहीं, ये युवा हैं, अगर सरकार ये युवा
जाग गए या आक्रोशित हो गए तो शायद मुझे लगता है कि सरकार वो सो रही है, उसको जागना चाहिए समय से पहले, क्योंकि जो युवा सीएम बना सकते हैं तो ऐसा नहीं हो कि सीएम के चक्कर में पीएम को गवाना पड़े। मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि सीएम के माध्यम से उनको पीएम को ना गिराना पड़े। सिक्स तो लगा सकते हैं युवा, लेकिन विकेट भी गिरा सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। जो सरकार है, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है राजस्थान सरकार से। जिस सरकार के साथ हम दिन और रात कंधा से कंधा मिलाकर हमने काम किया था, आम जनता के बीच में और सरकार के बीच में, जो सरकार ने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को हमने जा जा के गांव गांव ढाणी ढाणी प्रचार प्रसार किया, क्या हमने बुरा किया? क्या अब ये राजस्थान सरकार बिल्कुल उनको गलत लगने लगा? जो एक सरकार पहले लेटर निकालती थी, युवा मित्रों को भेजो, टारगेट करो, घर घर जाएं, 25 परिवारों से मिलें और पूरे लाभान्वित लिस्ट को हमें दिखाएं, फिर डीएम साहब, एसडीएम, कलेक्टर उनको वेरीफाई करते थे, क्या ये लोग गए थे या नहीं गए थे, लाभान्वित से बात करते थे कि आपको इसने लाभ किसने दिलवाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब राजस्थान सरकार, अब प्रमुख शासन सचिव सीएस वगैरह, ये लोगों को ऐसा लगता है कि अब राजस्थान के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाना गलत है, क्योंकि उनको पीड़ा नहीं दिखती है। जो विधवा महिलाएं, जो बुजुर्ग लोग जिनके बेसहारा है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके लिए कौन है? हम ही थे, हनुमान सेतु हम ही थे जो घर घर जाके योजनाओं का लाभ देते थे, लेकिन सरकार फिर भी हमें नहीं मानेगी, तो हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। हम नहीं मानेंगे, चाहे हमें पेट्रोल अपने शरीर पे छिड़क के शहीद स्मारक पे नहीं, बाहर हमें आग लगानी पड़े तो हम वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से हर किस अपनी मांगों को मनवाना पड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार वो भी एक मध्यम वर्ग परिवार से है, उनको पता है कि जीवन स्तर आम आदमी का कैसा होता है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहे थे तो उनको खुद पता है कि लोगों का जीवन यापन कैसा करता है, लेकिन आज उनकी आंखें क्यों बंद हैं? वो रात्रि में जाके थानों में जाके चेकिंग करते हैं, अरे उनको ये देखना चाहिए कि आपकी बेटियां, जो नारी शक्ति की तुम बात करते थे, आज वो नारी शक्ति खुले आसमान में आज यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई है ही नहीं, खुले आसमान के अंदर ओस पड़ रही है, भूखे हैं। एकता मेरे सभी भाई, युवाओं की, पढ़े लिखों की आज वो कंडीशन हो गई है, भिखारियों की तरह हो गई है। मैं किस तरीके से कहूँ इस सरकार के लिए कि आज एमटेक बीटेक वाले मेरे भाई साथी बहन आज जाके भंडारों पे लाइन में लग के भिखारियों की तरह हम आज खाना खाना पड़ रहा है, हमें इतने हम मजबूर हो गए हैं। क्या आज सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार है, अरे ठीक है एक इंजन फेल हो गया तो भाई दूसरे को जोड़ दो, दूसरे को तो जोड़ सकते हैं ना, एक ही इंजन तो फेल हुआ है, आप आए देखे डबल इंजन डबल इंजन, अरे मेरे भाई डबल इंजन तो है लेकिन सिंगल तो फेल हो गया तो डबल को लगा दो, हम तो डबल के लिए तैयार हैं, हमें काम करना है, चाहे तो सिंगल के साथ करा लो या डबल के साथ करा लो। हम सरकार और आम जनता के बीच में कार्य कर रहे थे और कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और हम करेंगे। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी मांगों को जब तक नहीं मान रही है कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी भी हमारी संघर्ष की परीक्षा ले रही है वो ले ले, लेकिन ये युवा हैं ना, ये रुकेंगे और ना ये झुकेंगे, ये सरकार को जिताना भी जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। ये युवा हैं, जिस तरीके से इनको पता है, खुद मैं क्या बताऊं, इन्होंने रीट का मुद्दा बनाया था लेकिन इनको ये भी बताया क्या कि अपने हाथों से ये आज एक RYM का भी मुद्दा बना रहे हैं, तो ये RYM पूरी राजस्थान की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र में सबको पता लग चुका है कि जो लोग हमें योजनाओं की जानकारी देते थे, लाभान्वित कराते थे, आज उन लोगों को हटा दिया है, अब हमें योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए कोई नहीं है, वो बेसहारा हो चुके हैं, तो वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बेटा आप हारो मत, हम आपके साथ हैं। हमारे परिवार से भी हमें हौसला, हमारे रिश्तेदार भी आज हमें पूछ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते थे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ साहब, अगर सरकार इन सारी चीज़ों के बाद भी नहीं मानती है तो फिर हमने ये भी फैसला लिया है कि 5,000 लोग पंपलेट ले लेकर आम जनता से अपील कराएंगे, आम जनता से अपील कराएंगे कि हमारे साथ, जिस सरकार ने 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उस सरकार ने शपथ लेते ही 5,000 लोगों के पेट पर लात मारी है, जो घोर अन्याय किया है,
हम स्टेशनों पे जाएंगे, बसों में जाएंगे, ट्रेनों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये पढ़ लो, हमारे साथ सरकार बेरोजगारी कर रही है, रोजगार को छीन रही है हाथों से। ऐसा कभी नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर कि परसी हुई थाली को किसी ने छीना तो नहीं है, बताओ बताओ साहब, छीना तो नहीं है। लेकिन राजस्थान की एक ऐसी सरकार मैंने पहली बार देखी है जो किसी आदमी के इंसान किसी इंसान के सामने परसी हुई थाली को छोड़ाना, उसको भूखा मारना, ये राजस्थान सरकार की प्राथमिकता नहीं है। ये युवाओं को ऐसा कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। एक सवाल आपसे ये भी था कि राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था पूर्व में कि जो युवा मित्र योजना है वो केवल और केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की योजना है, ये काम केवल और केवल सरकार का खजाना खाली करने कर रहे थे, इतने सहमत हैं? देखो मैं बताऊं, राठौड़ साहब ने कहा है कि ये प्रचार प्रसार कर रहे थे कांग्रेस का, तो ये तो गलत है, क्योंकि एक आरएसएस का बंदा कभी कांग्रेस का प्रचार नहीं कर सकता है, कर सकता है? 30% लोग मेरे भाई यहाँ पे समर्थित है उनसे, तो ये चीज तो अर्ध गलत। देखो मैं बताऊं, उनपे कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब जवाब क्यों नहीं आ रहा है कि जवाब वो यही दे सकते हैं पार्टी के खिलाफ। आप मुझे बताओ कि 25 तारीख के बाद जब दूसरी पार्टी, जब हमारे समर्थित लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आप 25 तारीख से लेके और 20 तारीख तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी का कोई सरकार के स्टेट सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया था। कल क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हमारा अनशन चल रहा था, हमारे लोग यहाँ बैठे हुए खुले आसमान में, जो डबल इंजन की सरकार के मुखिया बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी देखा या सुना? लेकिन उन्होंने इस तरीके से आरोप यही लगा सकते हैं, इनको आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। इनको तो ये देखना चाहिए कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। जो आरोप लगा रहे हैं हम पर, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, साहब आप आंखों को खोलो, बंद मत करो, आपके यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ये किसी और के नहीं है, इन्हें पार्टियों में मत झगड़ो, ये युवा हैं, अगर ये बिखर गए तो 2 महीने बाद वो मंजर होगा जो शायद देखने लायक नहीं होगा, पछतावा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, क्या पछतावा होगा? जिस तरीके से रीट में सरकार को पछतावा हुआ था, इस तरीके से इस सरकार को RYM के लिए पछतावा होगा, ये आज मैं कह रहा हूँ। देखिए युवा है, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के बयान पर भी तंज कसा है, उन्होंने कहा कि राठौड़ साहब को चेतावनी दी है कि ऐसे इनकल बयान नहीं दे, वहीं पर सरकार जो है उसको भी कहीं ना कहीं कोसा है कि सरकार ने थाली परोसी हुई है, उसको छीनने का काम यहाँ पे किया है। ऐसे में आप सरकार को इन बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाकर इनसे बात करना चाहिए और इनकी जो मांग है उसको पूरा करने में सरकार दिखानी चाहिए। सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, धंधागिरी मीडिया, जयपुर।